पाजी हाँ, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी रोक के कोई आपसे पैसे मांगे तो आप क्या करेंगे? मैं तो ठोक दूंगा। मैंने भी ऐसा किया, मैं मोपेड पे जा रहा था, मेरे को किसी ने रोक लिया, बोलता पैसे निकालो, मैंने भी ठोक दिया। वो आदमी आगे से बड़ा दिलदार था, उसने 4-5 और जोड़ के मेरे को वापस दी। गलत कर दिया यार। मेरे को कहता सड़क तेरे बाप की नहीं, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। भाजी हद हो गई यार, इतनी देश में सड़कें नहीं जितने चेक नाके हैं। और वो अपनी सड़कें चेक नहीं करते, पैसे चेक करते हैं कि पूरे आए कि नहीं आए। और सड़कों में इतने गड्ढे भाजी, कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि सड़कों में गड्ढे हैं, ऐसा लगता है गड्ढों के बीच में जगह दे देख के सड़क बनाई इन लोगों ने। बिल्कुल तेरी बात सही है, कोई अपनी लुगाई को मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहा हो ना, आगे नहीं देखता, पीछे ही देखता रहता, रह गई कि ढह गई। और मैंने तो एक आदमी से पूछ भी लिया चेक ना के, मैं कहा भाई साहब एक बात बताइए, ये सड़कें आपकी ठीक तो है नहीं, मैं कहा पैसे किस बात के लेते, सड़क में जाते हैं गाड़ी में बैठे हुए तो ऐसे लगता है जैसे सड़क पे जा रहे ऊंट की सवारी कर रहे हैं। तो कहता भाई साहब सड़क पैसे ले कौन रहा, हम तो ऊंट की सवारी के पैसे ले रहे हैं। ऐसे ढीठ आदमी से कोई क्या बहस करे, नीचे के नीचे। और पाजी कई कई बार ना ये ऊंट की सवारी बड़ी महंगी पड़ती है, खासतौर पर जब आदमी का पेट खराब हो, कोई 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 बड़ा वाला गड्ढा आ जाए ना, तो आदमी पूरे ब्रह्मांड का जोर लगाता है, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है। ऐसा आदमी कभी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाए ना, तो डॉक्टर बीमारी नहीं पूछता, सीधा दवाई लिख के देता है। हाँ। क्योंकि उसको पता तो हॉस्पिटल के गेट से ही चल जाता है। हाँ। इसको क्या प्रॉब्लम है, फ्रेग्रेंस काफी होती है ना। और ऊपर से आदमी बेचारा जिसका पेट खराब होता है उसको ये सोच सोच के टेंशन हो रही होती है कि वापस फिर ऊंट की सवारी करके जाए। पर भाजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गड्ढों के नुकसान ही होते, कई बार फायदा बड़ा होता है, किसी गरीब आदमी की लेडी प्रेग्नेंट हो ना, लेके जा रहा है, बड़ा वाला गड्ढा आ जाए, ऑन द स्पॉट डिलीवरी, बच्चे को पैदा होते पता चलता, वाओ इंडिया कमाल। फॉरेन कंट्री में मैंने देखा भाजी, 5 घंटे बारिश होती है, 2 मिनट में पानी गायब। ओए हमारे यहाँ आधा घंटा बारिश हो सड़क गायब। क्योंकि वहां पे हर बंदा इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वहां पे लोग सिग्नल देख के ट्रैफिक के रूल्स को पालना करते हैं उसकी। हमारे यहाँ पे सिग्नल कोई नहीं देखता, हमारे यहाँ पुलिस वाला देखते, खड़ा तो नहीं कोई। अगर पुलिस वाला खड़ा है तो सिग्नल रेड है, अगर नहीं खड़ा तो सारे सिग्नल ग्रीन है। लेकिन कई कई बार भाजी पुलिस वाले बड़े चलाक होते, पता है वो सिग्नल पे खड़े नहीं होते, सिग्नल के आगे चलकर ना पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। जैसे किसी ने सिग्नल क्रॉस किया तो ऐसे प्रकट होते हैं जैसे रामानंद सागर के सीरियल में होते हैं ना, एकदम से राक्षस प्रकट। मैंने एक बार भाजी सिग्नल पे 4-5 मोटरसाइकिल वालों के पीछे पीछे ना, उन्होंने सिग्नल तोड़ा, मैंने भी तोड़ दिया, आगे चल के सारे मोटरसाइकिल रोक लिए, पुलिस वाले सबसे 100-100 रुपए लिया, एक आदमी को उल्टा दे रहा है। मैंने कहा भाई साहब व्हाट इज दिस, इनको पैसे क्यों दे रहे, कह रहे तू अपना काम कर, तू अपने पैसे दे, वो तो हमारा आदमी है, अभी घूम के जाएगा दोबारा सिग्नल तोड़ेगा, उसके पीछे पीछे तेरे जैसे 4 उल्लू और तोड़ेंगे। अजीब अजीब स्कीमें लगाते लोग। हरियाणा की पुलिस मैंने देखी है, वो बड़ी मतलब ऑन द स्पॉट, बड़ी ह्यूमर बड़ा होता है उनमें। एक बुढ़िया बेचारी बैठी थी, उसको नजर कमजोर थी, नजर नहीं आ रहा था कि सिग्नल कौन सा, हरा के लाल है कि पीला है, तो हरा हो भी गया तो बेचारी देखी जाए पीछे से पुलिस वाला बोल रहा, ताई निकल ले इससे ज्यादा हरा नहीं होएगा ये, निकल ले। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम है, या गड्ढों की वजह से प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो शेयर कर सकते हैं। कोई है मेरा भाई बंधु ऐसा? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो शिव सर। हेलो जी। आ जा गुरु, कुलचे छोले खाए आज? जी आई एम हर्षिल पिटवा फ्रॉम गोरेगांव इन मुंबई। क्या नाम बताया? हर्षिल पिटवा। जी हर्षिल, कहाँ से आए आप? सब गोरेगांव से। गोरेगांव से? हाँ पर आप तो इतने गोरे नहीं है। जी हर्षिल, क्या आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मैं कहना चाहूंगा कि सड़क और ट्रैफिक का तो आपको मालूम ही है, बट पब्लिक भी वैसे ही है, अगर कोई लड़की गिर जाती है तो फिर 20-30 लोग आ जाते हैं उठाने के लिए, बट कोई लड़का गिर जाता है तो उठाने के लिए कोई नहीं आता। ओ गुरु, अगर तुम गिरे तो क्रेन चाहिए लोग। गड्ढे आप ही तो गिर गिर के बनाए हुए हैं, कहीं पे भी गिर गए 5x7 का गड्ढा तो पक्का है। हर्षिल, 2-व्हीलर चलाते हैं आप? नहीं सर। क्या चलाते हैं? सर चला दे नहीं। तो क्या चलते चलते गिर जाते हो? कुछ तो चलाता हो, प्रॉब्लम
सर कभी कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो तभी वैसा हो जाता है। हाँ जी, ड्रिंक एंड ड्राइव के इसमें कभी कोई ऑफ रोड चलाता है तो वैसा हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो किसी की प्रॉब्लम है ना। आप बोल रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है कि जब लड़का को गिरता तो उठाते नहीं है, तो आप कैसे गिरते हैं? मतलब ये मैं नहीं, मतलब मोस्टली कोई भी लड़का, मतलब आप मर्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ सर, ये मर्द मुक्ति मोर्चा की तरफ से आए। शुक्रिया हर्षिल, थैंक यू सो मच। पाजी ले दे के निष्कर्ष ये निकलता है कि चेक नाके पे कमाई बड़ी है, करना कुछ नहीं है। मैंने तो अपना पर्सनल खोल लिया पाजी। ओए, पर्सनल चेक नाका, कोई भी आएगा बिना पैसे लिए जाने नहीं देना। मैंने सीने सारे धड़क के आ गए, शोले सारे भड़क के आ गए। लोग सड़क से पैसे कमा के महलों में जाते हैं, तुम कमाने फिर सड़क पे आ गए। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो। अरे जो भी लेना है जल्दी जल्दी ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल सब्जी लेने के लिए मुख्यमंत्री भवन के बाहर जाना पड़े। कि भाई ऐसा है कि आम का भले ही सीजन ना हो, पर आम आदमी का सीजन बहुत जोरों शोरों से जा रहा है। अरे डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ये क्या है, आलू प्याज तो ठीक है, ये भिंडी लौकी मूली को ऐसे बुलाते? कोई तुम्हारी माँ बहन को ऐसे बुलाया तो? हमने सब्जियां देखे, छह छह महीने हो गए तुम इतनी सब्जियां लेके घूम रहे हो। साइड में लेके जाओ, चेक नाका, चेक नाका। अरे अरे अरे, ये चेक नाका यहाँ कहाँ से आ गया? एक तो देश में रातों रात डेवलपमेंट हो जाए, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आ गया चेक नाका, हमने बनवाया। आप कौन होते हैं भाई? अरे चेक नाका तो सरकार बनाती है ना। सरकार कौन बनाती है बे ठुल्ले? सरकार हम ही लोग बनाते ना। टोल टैक्स भी ले लिया देख। सरकार भी तो हम ही लोग बनाते ना। हमने सरकार नहीं बनाई, हमने सीधा चेक नाका बना दिया। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? 500 रुपए निकाल चल। अरे ऐसा कैसे निकालते, 500 रुपए का जमीन में उगता है? सब्जियां तो जमीन पे उगती है ना, तो ये तो दे। अरे 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 नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए हमारे घर में दो छोटी छोटी बीवी और मैं बड़ा सा बच्चा है। बीवी बच्चे से पहले पैदा हो गई थी। कुका है ना, बच्चा जो है वो पहली बीवी से है और बीवी दूसरे बच्चे से है। बीवी दूसरे बच्चे से है। हाँ, हम बाल बच्चे वाले हैं, ऐसा मत कीजिए। बार बार बच्चा बच्चा बोल के चिढ़ा क्यों रहे? मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। अरे कौन चिढ़ा रहा है आपको? और नहीं लगे? हम नहीं चिढ़ा रहे। चले काम कर, सारी सब्जी छोड़, कोई सी दो सब्जी एक एक किलो दे दे चल। अच्छा हाँ तो ठीक है, ये बैंगन लीजिए, ये आलू लीजिए और ये मूली ले लीजिए। ये सैंपल क्यों दे रहा है मेरे को? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? बनाऊंगा क्या इनमें से मैं? देखिए, अरे एक तो मांग रहे हो, ऊपर से कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो। Yes, we are beggar come chooser. अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन ही देखना था ना तो शादी के वक्त देखना था ना। अरे खुद का मुंह एकदम कद्दू जैसा और बीवी का कटहल जैसा। तो बीवी देख के नहीं ली, जिंदगी खराब कर ली। अब क्या बिना देखे सब्जी ले ले, अपना पेट खराब कर ले? चल कोई ना कोई सब्जी तेरे को रख के जानी पड़ेगी इधर। अरे नहीं नहीं, हम कोई सब्जी नहीं देंगे। देखिए एक बाप के लिए सारे बच्चे जो है वो एक समान होते हैं। बाप कहेगा भाई तेरी शादी गोभी से हुई है, सब्जियां डिलीवरी अस्पताल में हुई है। हाँ। ये टमाटर रख लेता हूँ मैं। अरे अरे टमाटर नहीं, सेब है साहब। अभी तो बोल रहा था बाप के लिए सारे बच्चे समान है, अभी तेरे को ये अलग अलग नजर आ रहा है, भेदभाव करता है, रेसिस्ट। नहीं नहीं देखिए। अरे पानी क्यों मारा बार बार, ये बेहोश है क्या? और ये बता क्या, एक मिनट, ये बता बोल बोल के एक एक करके सब सब्जी उठाए जा रहे हैं आप। देखिए हम कह रहे हैं, हम आपको कोई सब्जी फ्री में नहीं देंगे। हाँ ओए खसमानु मार जानिया, इधर आ। और कैसे भी देगा सब्जी, मैंने अपने कानों से सुना, कह रहा था आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, अब वो ले रहा तो उसे आंखें दिखा रहा है। हाँ, है? अगर दिखा नहीं है तो इस 22-year-old हॉट सेक्सी लड़की को दूल्हा दिखा। 22, आप 22 के हैं लेकिन आप देखने में तो एकदम 52 के लग रहे हैं। पुरानी बात।
मैं तुझे दिखाई दे रही हूँ, तू मुझे कूर कूर कर देख रहा है बदतमीज। अरे हम कहाँ देख रहे हैं, हमको तो दिख ही नहीं रहा। अरे अरे वो हमारा सब्जी उठा रहा है। अभी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अभी तेरे को कैसे दिखाई दे रहा है? आज तो बड़े रोमांटिक मूड में लग रहा है गुरु। पाजी ये जो गोरियां गई है ना, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ईमान डोल रही है। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं, ये हमारी मेहमान है, अगर हम अपने मेहमानों की रिस्पेक्ट ना करें, इन्हीं के चक्कर में तो आधा इंडिया गोवा जाता है नया साल मनाने। और ये होती भी तो कितनी अच्छी ना भाजी, आप इनको प्यार से अगर कहीं सुबह सुबह स्माइल दे तो वापस स्माइल करती है। अब इनको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी आता है, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे गाँव में किसी लड़की ना गुड मॉर्निंग, तेरी बहन होगी गुड मॉर्निंग। क्योंकि सिस्टम भी हम ही लोगों ने खराब किया ना। ये गोरी लड़कियां देख लो आप, अपना देश छोड़ के अकेली यहाँ पे घूमने आ जाती है। और हमारे देश में लड़की 50 मीटर घर से दूर नहीं निकल सकती, पूरे देश के लड़के छोड़ने निकल जाते हैं। होते भी इतने ढीठ हैं, लड़की पैदल जा रही बाइक लेके पीछे ले। मैंने कहा जी आ जाओ बाइक पे छोड़ाते हैं आपको। चेपी हो जाते हैं, चेपी पूरे चेपी हो जाते हैं। और लड़की भी खींच के बोलती है अपनी बहन को छोड़ के आ। फिर इतने ढीठ होते और चढ़ जाते हैं, और बहन को कोई ना कोई छोड़ देगा, आप अपनी चिंता करो। प्यार होता था पहले के जमाने में, आजकल तो जमाना ही बदल गया है। आजकल SMS आ गए हैं, लेकिन ये SMS आजकल बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं कभी कभी। एक लड़का और लड़की की एंगेजमेंट हुई, 2 दिन बाद उसी लड़की ने अपने मंगेतर को SMS कर दिया, कहती सॉरी डार्लिंग मेरी कहीं शादी और तय हो गई है। लड़के ने फोन किया, कहता ऐसे कैसे हो सकता है, परसों तो हमारी एंगेजमेंट हुई। कहती ओ सॉरी गलती से आपको आ गया। पाजी प्यार एक ऐसी चीज है हर एक बंदे को लाइफ में होता है। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको किसी ना किसी से प्यार हुआ होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पता चलता है कि प्यार सच्चा है कि झूठा है। कोई है मेरा भाई जो जवाब दे? जी हेलो कपिल सर, माय नेम इज विकी पाटिल। मुझे काफी प्यार हुआ था पिछले काफी मतलब एक ही प्यार हुआ था। अच्छा। तो ऐसा निकल गया मेरे मुंह से, तो स्लिप हुआ पाजी। हाँ, जी तो ऐसे हुआ, रातों को काफी नींद नहीं आती थी मुझे। हाँ, अच्छा। आमिर खान की तरह मुझे वो करीना नजर आ जाती थी। आमिर खान की तरह? हाँ मतलब वो तो सैफ से शादी हुई थी। तू रॉन्ग नंबर लगा रही है। नहीं नहीं पाजी, मतलब वो हीरोइन की तरह, करीना की तरह मुझे मेरी हीरोइन नजर आती थी। अच्छा। ऐसे होता था मुझे काफी बार, और मैं डिनर की तरह और लंच की तरह टाइम उसे काफी याद करता था। उसे काफी मेरे वजन घटा हुआ था उससे। क्या बोल रहा है तू? आपको पक्का प्यार ही हुआ था कि कब्ज हुई थी आपको? समझ में नहीं आ रहा। नहीं कई बार होता है ना, कई बार होता है कब्ज की वजह से ना गैस दिमाग को चढ़ जाती है, आदमी उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देता है। अच्छा कोई लोग ऐसे भी होंगे जो प्यार मोहब्बत में विश्वास ही नहीं करते होंगे, कौन कौन है? तू पहले ये बता प्यार मोहब्बत के लायक है तू? हेलो सर, मेरा नाम पार्थ पटेल है, मैं मुंबई से हूँ। सर मैंने कई बार ट्राई किया बट मुझे प्यार हुआ ही नहीं, इसलिए मेरा विश्वास नहीं है। कहाँ ट्राई किया? एक मिनट, तूने फुसकी पटाखा देखे? किस पे ट्राई किया? सड़क पे अकेले ट्राई करते रहे? जो मिली उस पे ट्राई किया, जो अच्छी दिखी। भाई ट्राई करने से पहले लंच करो डिनर करो। आपके घर वाले आपको प्यार करते ना? बहुत। तो फिर प्यार से विश्वास कैसे उठ सकता है आपका? हाँ सर वो प्यार, पर वो दूसरा, वो अलग है। मतलब अब क्या विचार है, अब शादी करनी है आगे चलते कि नहीं? हाँ मिलेगी तो कोई अच्छी कर दूंगा। मतलब अंदर से ढीठ ही हो पूरे। कि मिल गई तो छोड़ना नहीं है, प्यार कर लेना है। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 17th रनिंग। अभी लाइसेंस तो बनवाओ अपना पहले। हो जाएगा। 17 साल की उम्र और प्यार से विश्वास भी उठ गया भाई साहब का। हो नहीं यार, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। अपनी पहले डिग्री विग्री कंप्लीट कर लो। हाँ। ठीक है, और खाया पिया करो। हाँ। नहीं तो ऐसे प्यार करोगे तो ग्लूकोज लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। शुक्रिया पार्थ, थैंक यू। थैंक यू सर। पाजी ऊपर वाली माया देखो, आज माधुरी दीक्षित के आने वाली है, टॉपिक पूरा प्यार मोहब्बत पे अटक गया। पर आप एक बात सब जानते हैं कि जहां पे प्यार मोहब्बत होता है वहां पे विलन जरूर होता है, और मेरी फैमिली में विलन भर भर के पड़े हैं। हाँ। मैं चाहता नहीं हूं आज कि कोई यहाँ पे रहे। क्योंकि मैं माधुरी से अकेले मिलना चाहता हूँ। भीगे होंठ तेरे। आज रोमांटिक
बातें होगी बस। साहब जी बड़े पोज बना बना कर गाने गा रहे हो आप, कोई खास मेहमान आने वाला है? सुबह भी आप बाथरूम में ऊंचा ऊंचा गाना गा रहे थे। वो तो मेरी मजबूरी है, मैं जब बाथरूम में कुंडी नहीं तो गाने गा के ना आऊंगा। वो तो 6 महीने से नहीं है। चक्कर क्या है, पहले तो आप भजन गाया करते थे, आज सीधे बीगे होंठ तेरे। लवी डवी तेरे को क्या प्रॉब्लम है बीगे होंठ तेरे से? सच सच बताओ, ये होंठ आया किसके? लवी डवी। अबे तू जाके अपने दाल चावल पे ध्यान दे, तेरे को क्या लेना देना। हाँ तो उसी चीज पर ध्यान दिया जाएगा ना जो घर पे होगी। तेरी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है, इस बार तेरी तनख्वाह काटनी पड़ेगी। काटनी जोड़नी पड़ेगी, जब साल की पेंडिंग पड़ी इसमें ये भी जोड़ दो। और मैं जा रहा हूँ अंदर। ए अंदर कहाँ जा रहा है? मैं सोने जा रहा हूँ। अरे सो के क्या कर रहा है इतना, बाहर नई फिल्म लगी जाके देख क्या, पैसे ले जा, ठीक है 10 रुपए जा फिल्म देख क्या। ओ माय गॉड 10 रुपए, क्या हुआ 10 करोड़ पहली बार देखा है? ये ले 10 रुपए और पकड़, ये ले 10 रुपए। इतनी रही सी, बड़ी जोर से रोमांस आया इसको। नहीं नहीं साहब जी मैं जाऊंगा नहीं, आज तो पक्का कुछ गड़बड़ है। आज तो मैं यहीं रहूंगा और देखूंगा आप कौन सा गुलगुला रहे हो। देख देख राजू मेरे भाई है? आज तेरी भाभी आने वाली यहाँ पे, वो तो 5 साल पहले आ चुकी थी। अरे वो तो मेरी वाइफ है ना, असली भाभी आने वाली है, माधुरी दीक्षित। ओह माय गॉड माधुरी दीक्षित आ रही है, आज तो मैं माधुरी जी से मिलकर ही रहूंगा। ये फ्राई पैन जैसा मुंह लेके माधुरी दीक्षित को मिलेगा, कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा उनके। एक काम करना, ये जो गले में जाएगा ना सीधा, दुल्हन ब्यूटी पार्लर है वहां पे जाके 20 रुपए का फेशियल कराते रहा, मुंह गोरा चटने लगेगा, माधुरी दीक्षित देखेंगी इंप्रेस हो जाएंगी। सच में? हाँ मतलब फेशियल करा गया हूं मैं, फेशियल करा गया। ओह माय गॉड अभी आया साल में फेशियल करा, यस फेशियल होगा माधुरी दीक्षित। हेलो दुल्हन ब्यूटी पार्लर, मेरा नौकर आ रहा है 20 रुपए का फेशियल करवाने, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, इसका मुंह बिगाड़ दे। हाँ और जब तक भेजना नहीं जब तक मैं फोन ना करूं, ओके? हाँ बाय शर्मा जी। क्या बात है, आज ब्लू कलर का सूट बड़े स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं, कहीं मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जा रहे? घूमना तुझे इधर आ। तुझे बाहर घुमाने लेके जाऊं? एक बार ना पिछले बार उसको डिनर पे ले गया, खाने वाने के बाद वो आया फिंगर बाउल ना, उसमें से नींबू निकाला निचोड़ के ना पानी पी गई, फिर कहती गरम शिकंजी में बुरी नहीं होती है। फिर से शुरू हो गए। कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों आज बहुत प्यार आ रहा है इनपे, किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, थोड़ी सी और मजाक करो ना। अरे नहीं नहीं तू भी बड़ी खूबसूरत लग रही, चल निकल। बड़ी उल्टी आदमी है, मजाक करने को कहा तारीफ कर रहा है। अरे मजाक ही किया था, नहीं तो तेरे में ऐसी क्या तारीफ कर रहे हो? इतनी बेइज्जती करते हो तुम मेरी, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। क्या ये अच्छी क्वालिटी नहीं है पाजी? अच्छी क्वालिटी, चिपकू खानदान से बिलोंग करती है तू। इसके बाप को ना पुलिस ने पकड़ लिया चोरी के केस में, 3 दिन बाद छोड़ना के कहते मेरे को रहने दो, इधर 15-20 थप्पड़ खा के 3 टाइम का खाना मिल रहा है, बाहर जा क्या करना है? चोर नहीं है, उनका अपना बिजनेस है। मैं बताऊं कौन सा बिजनेस है? पेपरों में आप खबर पढ़ते हो कि गहने दुगने करने का झांसा देके महिला को लूटा, वो इनके फादर साहब हैं। इनके घर जाके देखो, बेडरूम पे कुत्ते चढ़ के सो रहे होते हैं। समझ में नहीं आता कि कुत्ते इनके बेड पे चढ़े हुए हैं कि ये कुत्तों के बेड पे सोते हैं। एक्सक्यूज मी, हाउ एट लीस्ट इतने अमीर तो है कि कुत्ता पाल सके? कुत्ता नहीं पाला, कुत्ते ने तुम लोगों को पाला हुआ, झूठ मत बोलो। मुझे क्या पता कब से ब्लाउज पहनना शुरू किया, पहले तो पॉलिथीन पहन लेती थी। पाजी हुजूर, नया साल आया, थोड़ा सा पुराना भी हो गया, बड़े लोगों ने रेजोल्यूशन लिए कि साल ये करेंगे ये नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन रेजोल्यूशन टूटते भी दिखाई दिए। हाँ अंडों की तरह। एक मेरे दोस्त है पप्पू भाई, दारू पीने के बड़े शौकीन,
उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं आगे से दारू कभी नहीं पीऊंगा। अगले दिन देखा फिर टुंड घूम रहा था। पप्पू भाई आपने तो कहा दारू नहीं पियेंगे, रेजोल्यूशन भी तो पी के लिया था। मेरी दादी से मैंने पूछा, मैंने कहा दादी तुम क्या रेजोल्यूशन ले रही हो? कह रही तीन साल से नीले सूट के साथ लाल दुपट्टा ले रही हूँ, नीला दुपट्टा तो लिया नहीं गया, रेजोल्यूशन क्या लूंगी? हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी भुआ ने रेजोल्यूशन लिया कि इस साल सिर्फ अंग्रेजी बोलेगी। पूरे मोहल्ले ने उसी वक्त रेजोल्यूशन ले लिया इस औरत से बात ही नहीं करनी। जिस औरत की हिंदी समझ में आती इसकी अंग्रेजी क्या समझ में आएगी? मैंने सिद्धू भाई से पूछा, मैंने कहा पाजी आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? मैंने सुना कि आपने रेजोल्यूशन लिया कि आप इस साल शायरी नहीं करेंगे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? कहते मोहतरमा। कभी कभी खुशी में ना आदमी को मोहतरमा कह जाते हैं। सिद्धू भाई क्या कहते हैं? कहते देखो भाई, सूर्य को कभी कभी अपनी परिक्रमा छोड़ देनी चाहिए, और चांद भी गलती करे तो उसको भी दो तीन ठोक देनी चाहिए। कहत सिद्धू सुनो भाई मोहतरमा, कहत सिद्धू सुनो भाई मोहतरमा, जब अति हो जाए तो शायरी कभी कभी छोड़ देनी चाहिए। योद्धा कभी युद्ध ठानता नहीं जी, सारा सच जमाना जानता नहीं, कोशिश तो कर ली मैंने शेरनाक कहने की, पर गुरु ये दिल है कि मानता ही और मेरी जो पड़ोसा ना पलक, उसने तो हद ही कर दी बाजी, उसने रेजोल्यूशन लिया फिर वापस ही नहीं किया। ओ, 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 ओ। एक आदमी ने रेजोल्यूशन लिया कि वो बिना कपड़ों के हिमालय पे 2 घंटे तक बैठेगा। पाजी -5 डिग्री टेम्परेचर था, 2 मिनट नहीं बैठा उसका रेजोल्यूशन अकड़ के टूट गया। मेरे पड़ोसी गुप्ता जी ने उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि मुझे सलमान जैसी बॉडी बनानी। अगले दिन मैंने देखा तो चौक पे खड़े जलेबियां खा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब जिम का क्या हुआ? कहते यार देख सलमान जैसी बॉडी तो मैं बना लूं, लेकिन मेरी बीवी कौन से कटरीना आ जाएगी, वो तो कमला ही रहेगी। या कभी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या सोचा है इस बार दुनिया ने। जी वाह वाह सर, मेरा ये साल का रेजोल्यूशन है कि मैं ये साल दबा के खर्चा करूं। खर्चा क्या, किस चीज पे खर्चा? पैसा खर्चा करना है, यानी सब चीज के ऊपर, यानी खाना पीना वो सब। तो ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं आप। लोग कहते हैं कंजूस हूं मैं सर। खाने पीने में खर्चा करना है, और किस चीज पे खर्चा करेंगे? कपड़ों पे, मेरे फैमिली के ऊपर सर। वैसे लोग और मेरी फैमिली ऐसा बोल रहे हैं। खर्च भी करेंगे ना आपने कपड़ों पे? आपका वैसे भी जरूरत से ज्यादा ही होगा, क्योंकि कपड़े भी टी शर्ट लेंगे तो डबल एक्सल आएगी। कुछ भी चीज वैसे। काम क्या करते सर आप, इतना पैसा? बिजनेस मैन हूँ। किस चीज का बिजनेस है सर? किड्स गार्मेंट्स का मेरा शॉप है। बच्चों के कपड़े बेच बेच के जो पैसा कमाया उसको आप अपने कपड़ों में खर्च करना चाहते हैं? नहीं सर। सर बच्चों को कपड़े पहना के खुश करके मैंने पैसे कमाए हैं। बच्चों को आप कपड़े पहनाते हैं? जी जी। उनकी मम्मियां क्या करती हैं फिर? पैसे, पैसे लेती हैं सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और कोई? कपिल माय क्यूटी। हाय मैं मर जावा माय क्यूटी। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं मरना, मेरे नाम पे बिल नहीं फाड़ना। मेरा न्यू रेजोल्यूशन ये था कि मैं वर्ल्ड एंटरटेनर से मिलूं। सो दैट्स यू, सो यू नो दैट्स व्हाई आई हैव कम ऑन द शो। अरे मेरे को मेरी जो तारीफ होती मेरे को समझ में नहीं आता क्या एक्सप्रेशन थी। क्या करती हैं आप? नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम रिया है। रिया हाँ, और मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही हूँ, सेकंड ईयर। फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हैं आप? हाँ। इसी पेशे में क्यों इंटरेस्ट है आपका? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। ताकि तो वैसे पैसे नहीं करो किसी को। फिजियोथेरेपिस्ट बनके लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। एक इसमें ये भी मंशा हो सकती है कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, कभी किसी का इलाज किस तरीके से भी, कभी हमें थोड़ी ना पता अंदर क्या हो रहा है। हाँ। तो किसी बाम रोड़ दो, आप ऐसे करिए। पर अच्छी चीज है, मैं भी जाता हूँ कभी। हाँ, आपको आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो, मेरे पे हाथ खोलो। जब तक अच्छे तरीके से आ जाए ना हड्डियां जोड़ना, तब मेरे को बुलाना भाई, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। पक्का पक्का डन। कल को मेरी कोई ऐसी हड्डी ऐसी जगह फिक्स कर देगी, ये आता ही रहे रोज। जिया गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो। शुक्रिया पाजी। मैंने खुद इस साल एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं करूं, कुछ भी हो जाए। झूठ बोले कौआ काटे। शर्मा जी, शर्मा जी,
I'm so sorry. दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ. परिवर्तन कह रहे हैं? परिवर्तन, बदलाव. पाजी मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा, हमेशा इससे प्यार करूंगा और सारा दिन बैठ के इसके गुलाब जैसे होंठ देखता रहूंगा. अब क्या बोल रहे हैं आप? ठीक तो है, ऐसा तो नहीं कोई दवाई गलत काम कर गई, क्या हो गया? अरे नहीं, कुछ नहीं गलत हुआ. देखो मैं दिल से कह रहा हूँ और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ. जानू तुम्हारे पापा बहुत प्यारे इंसान है. मुझे कंफर्म हो गया आपको किसी बात का स्ट्रेस है, मुझे पता नहीं है. प्लीज बताइए क्या बात है, क्या स्ट्रेस है? नहीं बाबा मैं सच्ची कह रहा हूँ. मैं उस दिन गुस्से में बोल गया था ना कि तुम्हारे पापा ने भिखारी के कटोरे में से 1 रुपया उठाया. वो उन्होंने नहीं उठाया, भिखारी झूठ बोल रहा था, कमीना था. तुम्हारे पापा बड़े अच्छे सच. भगवान जब फाइनली सब कुछ इतना अच्छा हो ही गया है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले. घूमना नहीं, मैं घूमता हूँ मेरे को चक्कर आ जाते. कैसी वाला घूमना? पेरिस चले? पेरिस बिल्कुल. देखो बेबी मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा मुंह पेरिस वाला नहीं है. तुम्हारा मुंह बोरीवली के बोरी जैसा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ. और वैसे भी बेबी आपके पास पासपोर्ट तो है नहीं, तो वीजा कहाँ? गुलाब जैसे ऑटो पे लगवाओगी? बेबी तुम कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हो, मेरी बात सुनो. मैंने सोचा है कि नए साल में अपने बाल छोटे करवा दो. शॉर्ट है का. देखो बेबी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाल छोटे करवाओगी तो होठ और बड़े लगेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. चीज उस पे खर्चा करो जिससे कोई ऐप छुपे. ये तो ठीक है. ऐप से याद आया बाजी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सिक्स पैक एब्स हो, ये फैमिली पैक नहीं. देखो तुम्हारे पापा ने शादी से पहले कहा था लड़के में कोई ऐप नहीं होना चाहिए, अब तुम 6 ऐप ढूंढ रही हो. ये बात गलत है. अच्छा तो घर के लिए एक 4-व्हीलर ले ले, बेस्ट. फोर व्हीलर क्या देते, मोपड़ है हमारे पास. अपने पापा से अगर स्कूटर देते बीच में डंडा डाल के बना लेते इसका कुछ. ये काम करो, अपने पिताजी से कहो इसमें इंजन डलवा दे बकरी में. दूध तो देती नहीं, क्या पता माइलेज दे दे. जानो तुम जब देखो मजाक करते रहते हो. बेबी फॉर्मेट ही है ये शो का. अब तुम करो ना, मैं भी ना करूं तो काम खराब हो जाएगा. अच्छा तो फिर एक काम करते फाइनली. हाँ एक क्यूट सा कुत्ता ले लेते घर के लिए, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता भी है मेरी और तुम्हारे भाई की बनती नहीं, फिर इसका मतलब ये है नहीं. आपने मेरे भाई को कुत्ता बोला, पता है वो उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा. और कुत्ते को पता चल गया कि उसको मैंने तुम्हारे भाई कहा तो. Shut up!